हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने एक गड्डी बथुआ लिया है, इसकी पत्तियां तोड़ के अच्छे से साफ करके धुल करके काट लिया है। ये वजन में 250 ग्राम बथुआ है, इसको साइड में कर लेते हैं। अब कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये 1 कप दही लिया है, ये वजन में 300 ग्राम है। ये आधा कप बेसन लिया है, इसको बड़े बर्तन में डाल के घोल लेंगे। अभी दही को बड़े बर्तन में डाल लेंगे। ये थोड़ा खट्टा दही है जिससे कढ़ी अच्छी बनती है, इसी में बेसन डाल लेते हैं। इसको पहले अच्छे से घोल लेते हैं। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल लेंगे। अब इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे, इसमें लम्स ना पड़ने पाए, अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए अच्छे से घुल गया है, लेकिन अभी गाढ़ा है तो इसमें पानी और डाल लेंगे। जिस कप से दही नापा था इसी कप से 1 कप और डाल लेते हैं पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से इसको। अब घुल के रेडी हो गया है, अब इसको साइड कर देते हैं। कुछ मसाले ले लेते हैं। अब एक छोटा बाउल ले लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, आधा स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर। बस मसाले में इतना ही रहना है, हींग और मेथी बाद में ले लेंगे। अब इसको भी साइड कर लेते हैं। ये मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको कद्दूकस कर लिया है। ये लहसुन को भी कद्दूकस कर लिया है, 6-7 कलियाँ थी। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक कढ़ाई रख देंगे, गैस को ऑन कर देते हैं। 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले हींग 1/4 स्पून से कम, 1/4 स्पून मेथी दाना, 1/4 स्पून राई डाल देंगे, ये छोटी वाली राई है। अब सारी सामग्री अच्छे से पक जाने देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन, उसको 1 मिनट तक पका लेते हैं अच्छे से। 1 मिनट हो गए हैं, ये सामग्री अच्छे से पक गई है। ये देखिए अब इसमें ये मसाले डाल देंगे। अब इसमें 1 स्पून के करीब पानी डाल देते हैं मसाले पकने के लिए। गैस को लो फ्लेम में कर लेंगे, उनको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जैसा खाते हो। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये बथुआ डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी बथुआ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, ज़्यादा ना होने पाए। अब इसको थोड़ी देर तक ढक देंगे, गैस को लो फ्लेम में ही रखेंगे। अब इसको 5 मिनट ढक देते हैं, बथुआ पक जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। बथुआ अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए पक भी गया है। अब इसमें ये जो घोल तैयार करके रखा था ना, ये दही और बेसन का, इसको इसी में डाल देते हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी और डाल लेते हैं। वैसे आप पतली कढ़ी खाते हो तो 1 गिलास डालिए, अगर आपको गाढ़ी बनानी है तो आधा गिलास डालिए। आप अपने पसंद के हिसाब से पतली और गाढ़ी कर सकते हैं। अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं और इसको बराबर हाथ चलाते रहेंगे। जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक इसको बराबर हाथ चलाते रहना है, नहीं जो दही है ना वो फट जाता है। बथुआ कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये राजस्थान की खास डिश है ये। वैसे सर्दियों में हर जगह बनती है, लेकिन राजस्थान में खासकर बनती है। इसके साथ मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए इसमें उबाल आ गया है, ये देखिए। अब गैस को एकदम लो फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ये अच्छे से पक जाए। इसको बीच में 1-2 बार बीच में चला देंगे जिससे नीचे लगे नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, अब कढ़ी को देख लेते हैं। कढ़ी पक के तैयार हो गई है, ये देखिए ऐसी है। इसको आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। अब इसको साइड कर देते हैं, एक छोटा सा तड़का तैयार कर लेते हैं कढ़ी के लिए। अब गैस में 1 तड़का पैन रख देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं।
एक चौथाई स्पून इसमें डालेंगे राई, सरसों के दाने, ये छोटी वाली राई है, दो तीन पिंच हींग। अब इसमें दो लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी चार पांच करी पत्ते, थोड़ा सा पकने देते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको उसी कढ़ी में डाल देंगे तड़के को। अब इस तड़के में डाल लेंगे एक चौथाई स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, मत डालिए। अब इस तड़का को इसी में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। कढ़ी बनके तैयार हो गई है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।